साष्टांग गतो विवाम स्मृत पुनरीका छम प्रतम बोलो 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 नहीं बोलेंगे नहीं वही एक ही तरफ पूजन चलेगा चल पास में केशवाय नमः माधवाय नमः नारायण नमः हाथ ऋषिकेशाय नमः गणेश पूजा में तो पांच सात हो जाते हैं कोई परेशानी ना हो नजर पीछे अपने बल दे दो बड़े पूजन में शामिल हो रहे हो और का बड़े पूजन नहीं बड़े पूजन नहीं है ओम हरि ओम गणानाथ नमः शिवाय 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 ओम पयाम पृथिव्याम पयोकदीशो पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदेशम संतम पयम ओम विष्णुराजे श्री विष्णु सूर्यस विष्णु धर्मस विष्णु श्री विष्णु वेत्वा ओम अग्नो देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्याय देवता मत्तो देवता वरुणो देवता बृहस्पति देव यतेन्द्रो देवता ओम गौ शांति शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोस्तायम शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा सर्व शांति शांतिरेव शांत सामा शांतिरेधि ओम गजाननम भूतराज सेवितम कपित्यजम उपचारवचनम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि गणेश्वरपाद पंकजम श्रीयात्पते गणपते नमः ओम जलमाचमनम स्नानम समर्पयामि ओम चंदनम समर्पयामि नमो नमः ओम पुष्पम समर्पयामि नमो नमः ओम मिष्टानम समर्पयामि नमो नमः ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदताय नागाननाय गौरीसुताय श्रीगणनाथ नमस्ते भगवान विष्णु का ओम केशव पुनरीका छम्माटवम मधुसूदन मृतमणि सहितम विष्णु देवम आवायम ओम ब्रह्मा मुरारी परांकारी वानु शशि भूमिसुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राव केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु ओम गौरी पद्मा सती मेघा सावित्री जया विजया देव सेना मात्र लोक मात्र विष्टि पुष्टि तुष्टि आंतम कुंदिका ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा रात्रि स्वाहा सरम मांगली मांगलाय शिवे सवासादिके शनये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते Thank you.
लाख रुपए का है बालाजी विकास कार्यक्रम लगातार कार्मिक विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में विकास के प्रति बहुत संवेदनशील है और जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है अपने क्षेत्रीय विधायकों के माध्यम से जानकारी लेते हैं और वहाँ पर विकास कार्य के लिए घोषणा करते हैं। इसी के अंतर्गत जब मुख्यमंत्री थोड़े आर्थिक विकास योजना में बालाजीपुरम में 1,38,00,000 रुपये का विकास कार्य हुआ है। यहाँ पर इससे पूर्व यहाँ पर गंगा जल की लाइन बिछी है, यहाँ पर सीवर लाइन बिछी है और अब ये सड़क का निर्माण हुआ है। इस तरह से बालाजीपुरम एक आदर्श कॉलोनी के रूप में विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र के विधायक और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के द्वारा जुम्ब विधायक बनने के बाद एक मुहिम चलाई गई, मेरे को लगता है उत्तर प्रदेश के कुछ ही विधायक ऐसे होंगे जिन मुहिमों पे या इसके इस तरह से काम करते होंगे कि सतत संपर्क सतत समाधान कराना लोगों का, और उसी सतत समाधान के अंतर्गत आज बालाजीपुरम और बालाजी एनक्लेव में जो रोड निर्माण किया गया है उसका शुभारंभ किया गया है और माननीय मंत्री जी द्वारा निरंतर आगरा दक्षिण में विकास की धारा बहाई जा रही है। पूरे शहर में जैसे हम देख रहे हैं कि आज गंगा जल की बात की जाए तो माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रयास किए गए वो पूर्ण हुए और आज उसके बाद जो दूसरी भव्य जो काम हो रहा है SN मेडिकल कॉलेज को लेकर 450 करोड़ एक किश्त और 150 करोड़ की एक किश्त जो पास कराई गई उसमें भी माननीय मंत्री जी के बहुत प्रयास रहे, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। मेरे तो सभी पूज्य हैं, आए अतिथि है क्यों भाई साहब गलत बोला लेकिन कुछ अव्यवस्था मरी जिंदाबाद जिंदाबाद योगेंद्र उपाध्याय जी जिंदाबाद।
गौरव शर्मा प्रधान जी आए और दिनेश पारासर जी आए और डॉक्टर अलौकिक उपाध्याय जी को साहबा बनाकर के सम्मानित करें। अकोला मंडल के अध्यक्ष धर्मपाल जी ये आए और डॉक्टर संतोष चार जी उनका पटका पहना करके सम्मान करेंगे। धर्मपाल जी अब दीपक भारद्वाज जी हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष संतोष लाल वर्मा जी का पटका पहना करें सम्मान करें। ये अकोला मंडल के अध्यक्ष हैं भाई। अच्छा अच्छा आओ बड़ी आदर जय श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम और पवन पुत्र हनुमान की जय। ये बालाजी भगवान बालाजी की धरती है और यहाँ से बालाजी की एक ही गदा होती है तो हम तो ऐसा निवेदन करते हैं कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी के नवरत्न श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय जी ऐसी गदा चलाएं कि विकास का एकदम से और मार्ग खुल जाए और पूरा उत्तर प्रदेश पुनः अपना उत्तम प्रदेश के रूप में बने ऐसी कामना करते हैं। योगेंद्र उपाध्याय जी संघर्षों का अध्याय योगेंद्र उपाध्याय पहले कार्यकाल में 2012 के समय एक टोरंट एक बहुत ही खतरनाक रूप में थी तो माननीय मंत्री जी ने उस टाइम लोगों से कहा था कि या तो टोरंट सुधर जाएगी या आगरा शहर छोड़ के भाग जाएगी। तो मित्रों सबसे पहला काम टोरंट को सुधारने का किया। उसके बाद इस आगरा की जो सबसे बड़ी समस्या है पेयजल उसकी ये गंगाजल प्रोजेक्ट की फाइल पर बहुत मोटी धूल जमी हुई थी। माननीय मंत्री जी ने न सिर्फ उस धूल को साफ करवाया बल्कि उस फाइल को इतना तेज दौड़ाया कि जिसके लिए थानेदार से लेके सुप्रीम कोर्ट तक और लेखपाल से लेके मुख्य सचिव तक माननीय मंत्री जी ने निरंतर जो रोड़े आ रहे थे उनको धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने जो स्वागत किया है यहां पर मेरा उससे मैं बहुत अभिभूत हूं। नमन करता हूं। जहां तक आपके द्वारा स्नेह दिया गया 2012 से और एक लगातार 3 बार आप लोगों ने मुझे उत्तर प्रदेश के सदन में पहुंचाया और हमेशा बढ़ते हुए क्रम में अन्यथा होता यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में क्रम घटता है जिसे एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। लेकिन आप सबका स्नेह था पहला चुनाव में 27,000 वोटों से आपने जिताया दूसरा चुनाव 51,000 वोटों से जिताया और तीसरा चुनाव 57,000 है आशीर्वाद। और जहां तक विजय जी ने कहा के जी ने कि यहाँ की जनता आपको आगरा का भगीरथ कहती है लेकिन ये मैं तो एक ही बात कहूंगा कि करता है तू कन्हैया मेरा नाम ईश्वर की कृपा हुई है इस काम के लिए क्योंकि अब भी जब कभी मैं उस काम के पन्ने पलटता हूं तो लगता है कि कैसे कर बैठा मैं तब समझ में आता है कि ईश्वर भी कोई चीज होगा जिन्होंने आगरा की इस पीड़ा को समझा और मेरा सहयोग किया। और यहाँ बैठे लोग भी मेरे साथ कई जगह कई बार चले ये संघर्ष लंबा चला था गंगा जल लाने के लिए के जी भी उसमें थे डॉक्टर साहब भी थे अपने ओम प्रताप जी भी रहे बहुत से कार्यकर्ता रहे जो मेरे चार साहब भी गए पालड़ा यहाँ से 130 किलोमीटर दूर वहाँ से यहाँ तक दसियों बार गए जो बाधाएं आईं जैसा अभी के जी ने कहा कि थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और पटवारी से लेकर मुख्य सचिव तक ये राजनीतिक जुमला नहीं है थाने पर बैठा हूँ मैं समस्याओं को निपटाने के लिए
जब कभी थाने ने अड़चन लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने अड़चन लगाई तो वहाँ भी दस्तक दी। ईश्वर की कृपा हुई कि आज वो गंगा जल आगरा की जनता को मिल रहा है जो कि हम कभी ऋषिकेश हरिद्वार से बोतलों में लाकर अपने पूजा गृह में रखते थे, कभी कभी आचमन लेके अपने को धन्य महसूस करते थे। आज जब नल खोलते हैं और नहाते हैं तो हर हर गंगे करके नहाए। 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की वो तारीख बन गया। अब उस माटोरी पहुंचे गए, लोगों ने की तो टिकट कट गई, घर बैठे राजनीति कर लेते नहीं, टिकट कट गई। मैं यही कह रहा हूँ, आप लोगों का दुआ है। हाँ भाई, योगी मोदी जी बुला रहे हैं कि बाबा और तुम दोनों आ जाओ ऊपर। लेकिन जो पार्टी जिम्मेदारी देगी हमें उसे निभाना है और यही सीखा है हमने अपने बुजुर्गों से और अपनी संस्थाओं से जिनमें हमने काम किया, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे युवा मोर्चा हो, जहाँ से लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें आपका जो आशीर्वाद है वह हमेशा मिलता रहे, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद।